सो हे गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल जट PB07। और एक फ्रेंड है यार, मैंने आप सबके लिए एक क्लिप बनाया था वीडियो का अबाउट रिगार्डिंग माय क्रेन और कैसे ऑपरेटिंग होती है, क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग था। बट होपफुली वो हो नहीं पाया क्योंकि वो मैंने क्लिप डाला नहीं क्योंकि उसकी क्लैरिटी उतनी अच्छी थी नहीं। बट मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया जिसको वो उस क्लिप में था, सो ही रिकमेंडेड मी कि यार उस क्लिप को डाल प्लीज़ यार वगैरह, वो देखना है क्लिप वगैरह। तो मैं उस क्लिप को अभी डालने जा रहा हूँ। सो अभी एडिटिंग ही चल रही थी लैपटॉप पे, सो वही काम कर रहा था मैं। और होप करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ हेल्प करो मुझे मेरा चैनल ग्रो करने में। एंड आप सबकी इस हेल्प के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। एंड और भी कुछ अच्छे सजेशंस हो मुझे, कैसी वीडियोस बनानी चाहिए, कुछ आपको रिगार्डिंग इन्फो चाहिए क्रेन के, कुछ भी मशीन के, कौन सी ऑपरेटिंग के लिए कहीं इंस्टीट्यूट है वगैरह है। सो मैंने इन सब के लिए इंस्टीट्यूशंस का पता भी किया है कि क्रेन ऑपरेटिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कैसे, कौन सिखाता है वगैरह है। तो इन फ्यूचर कभी भी किसी को हेल्प चाहिए हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, सो यू कैन शेयर विद मी एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। एंड सो और मैनी पीपल्स आर राइट नाउ मूविंग टू अब्रॉड कंट्रीज सच एज दुबई, कुवैत, सो देर इज़ अ वेल मार्केट ऑफ दिस मशीन्स, सो यू कैन ऑन अ वेल सैलरी एट दैट प्लेस। सो इन फ्यूचर इफ़ यू हैव रिगार्डिंग एनी क्वेरीज रिगार्डिंग मशीनरी लाइन और क्रेन, ट्रक्स, हॉल ट्रक्स, वॉल्वो वगैरह, ग्रेडर्स, पोकलिन मशीन, JCB, हाइड्रा, एनीथिंग एल्स एक्सेट्रा, सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी बाय कमेंटिंग ऑन माई फेसबुक और ऑन माई इंस्टाग्राम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑल माई डिटेल्स ऑफ माई इंस्टाग्राम वगैरह। ओके, सो राइट नाउ आई एम ऑन अ ट्रेनिंग एट समवेयर इन इंडिया, अभी बताना नहीं चाहता हूँ बिकॉज देख रहा हूँ अगर ये इंस्टीट्यूट अच्छा हुआ तो मैं इस इंस्टीट्यूट को जरूर रिकमेंड करूँगा आप सब लोगों को कि आपको यहाँ सीखने के लिए आना चाहिए। और एक बार मेरी ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए यहाँ पे तो फिर मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए आप सबको रिकमेंड करने वाला हूँ। और मेरे सॉरी व्लॉग्स बहुत लेट आया ये वाला, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अभी रात हो रही है बट सुबह मॉर्निंग में मैं इसे कल अपलोड कर दूंगा, आज नेट चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम इश्यूज़ हो रहे हैं नेट को रिगार्डिंग भी। सो चलिए उस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ, ले चलता हूँ सीधा क्रेन पे, सो चेक इट आउट। और कुछ भी अगर आप लोगों को इन्फो वगैरह अच्छी हो तो प्लीज़ यू आर फ्री टू मैसेज मी। और मेरे नंबर वगैरह अभी मैं अपने दूंगा नहीं डिस्क्रिप्शन वगैरह में क्योंकि मैं अभी यार बहुत नया हूँ यूट्यूब पे, तो किसी की गाली खाने का मेरा मन नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच, और वीडियो देखते रहो, अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जस्ट चेक इट आउट। ओके गो, सो दिस इज़ द हाइड्रा मशीन, मैंने कहा था आपको दिखाने के लिए। और ये चार लीवर हैं जिससे पूरी हाइड्रा मशीन का वर्क होता है। एक लीवर ये है, इसे गियर लीवर कहते हैं, तो और ये लीवर है, इसे लोअर हाई का काम होता है। ये सामने डैशबोर्ड है जिस पे आपको कुछ मीटर दिख रहे होंगे। सो दिस लीवर इज़ फॉर दी मूव योर मशीन स्लो और हाई, दैट्स ऑल। आपको आपकी मशीन को अगर स्लो चलाना है तो स्लो में पावर रहेगा और हाई में फास्ट चलेगी पर पावर नहीं रहेगा। तो प्लांट एरिया जो भी होते हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, उसमें अगर उसके अंदर आपकी मशीन चल रही है तो आपको स्लो में चलानी पड़ती है और गियर 1 और 2 से ज़्यादा लेना नहीं पड़ता है। सो ये गियर है, इसे गियर डलते हैं, ऊपर की तरफ रिवर्स है, नीचे 1 और इधर आगे करोगे 2, फिर नीचे करोगे तो 3 आ जाएगा। और सामने डैशबोर्ड पर आपको मीटर फिर दिख रहे होंगे, इसमें आवर मीटर है, प्रेशर मीटर है, टेम्परेचर मीटर है, और मतलब एक अपने इसमें एक मीटर और है, वो है मेरे ख्याल से टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर हो गया, एम्पियर, एम्पियर मीटर होगा। सो दीज आर दी 4 लीवर्स बाई विच वी वर्क और बाई विच दी होल हाइड्रा मशीन वर्क्स। फर्स्ट लीवर होता है इसको लेफ्ट एंड राइट मूव करने के लिए होता है हाइड्रा को। नाउ अगेन कमिंग अप टू द सेकंड लीवर, सेकंड लीवर अपना काम करता है
जो बूम होता है उसको ऊपर नीचे करने के लिए, और थर्ड लीवर है अपना बाहर और अंदर जो होता है बूम को उसको करने के लिए, और इसको होता है फोर्थ लीवर जो इससे अपने हुक होती है उसको अरिया और हैपस कर सकते हैं। ठीक है, सब सारा काम विंच वगैरह, रोप वगैरह, बूम वगैरह इन सब पे ही होता है मेनली क्रेन का। आप देख सकते हैं मैंने दिखाया वजह से भी मेरी मशीन के डैशबोर्ड पर वेरियस क्रेन थी, सो आपको एक अच्छा सा लुक दे देता हूँ मैं अपने हाइड्रा मशीन के अंदर का। ये हाइड्रा मशीन का इनसाइड पार्ट है, सो यू कैन साइड कॉकपिट और पायलट सीट है सामने। अब बाहर चलते हैं, बाहर की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आगे की तरफ में चार टायर होते हैं, पीछे दो टायर होते हैं बड़े वाले, और ये ऊपर एस लिखा हुआ है जिस पर 12WX है, XW है, और वो है बूम पार्ट है। उसमें आगे एक हुक लग रही होगी, आपको दिख रहा होगा, जिसमें माल को वगैरह को रस्सी से बांध के टांगा जाता है। सो दीज आर द वेरियस पार्ट्स, ये बूम है, जैक है, एंड दिस इज द इंजन, सारा मशीन का दिल कहते हैं इंजन को वैसे, क्योंकि इससे काम होता है। और ये सामने की तरफ ऊपर आप देख रहे हैं वो विंच है जिस पर पूरी रोप लगी होती है, और उसी से में जो रोप होती है वो जॉइंट होती है, और ये टायर वापस से सारी मशीन। मेरे पीछे इस जगह पे काम चल रहा है जो मेरे खास दोस्त का है, उसकी क्रेन चल रही है, 60 टन की क्रेन है, चाइना मॉडल है, और उसकी बालाजी कंपनी की है जो जयपुर की है। तो वो आप देख रहे हैं जैसे वो माल को उठा रही है, सो द मटीरियल विल बी मूव्ड राइट नाउ, और इट हैज़ बीन मूव्ड आई थिंक सो, कि ये मूव हो चुका है ऑलरेडी। सो वो उसको डिटैच कर रहे हैं क्रेन की हुक से। 60 टन की क्रेन में जैसे आप अभी देख रहे हैं कि इसमें साइड में जैक निकले हुए हैं, इसमें चार जैक होते हैं, दो लेफ्ट होते हैं, दो राइट साइड में होते हैं, जिस जो एक अच्छा फॉर्म सपोर्ट देते हैं मशीन को, बाय विच द बैलेंस ऑफ द मशीन रिमेन्स सूटेबल एंड मशीन कैन वर्क प्रॉपरली। सो दैट इज द ऑपरेटर्स कॉकपिट एट दैट साइड। सो लेट मी मीट यू। और पांच क्या हाल है? बात हो गया सारा, क्या है? बढ़िया बढ़िया, किधर चल रहा है कम बढ़िया। सो ये थे पाजी जिनकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड करी है, मैंने आपको बताया था। सो इनका नाम साबी है, सर पाजी बोलते हैं हम लोग। इन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि यार वीडियो डालने को, सो इनकी वजह से मैंने वीडियो डाली है। सो जस्ट प्लीज वॉच इट आउट। ओके, सो लेट मी शो यू द पाजी ड्राइविंग दिस क्रेन। तो इसमें यार पांच लीवर होते हैं इस क्रेन में। फर्स्ट लीवर होता है इसको क्रेन के जो कैबिन को 360 डिग्री पे घुमाने के लिए होता है। सेकंड वाला, अब इसमें ये जो दिख रहा है आपको सेकंड वाला जिसमें ब्लैक लेबलिंग हो रही है अभी हमने रखा उंगली, ये होता है बूम को बूम वन के लिए होता है। ठीक है, इससे बूम वन बाहर और अंदर करते हैं, इससे बूम टू होता है आउटसाइड और इनसाइड, और ये वाले हैं रोप अरिया हैपस के लिए। तो इसमें पांच लीवर्स हैं, और वो मीटर है जिसमें दिखाया जाता है इसका कितना वेट है वगैरह है, और कितने डिग्री पे है, कितनी लेंथ बार है बूम की, सब शो होता है। सो ये मेन फीचर्स होते हैं क्रेन के, बस सबकी वर्किंग एक जैसी होती है। बस आपको अगर कोई भी क्रेन चलानी है तो उसके लिए बस आपको थोड़े इंस्ट्रक्शंस चाहिए, समझाने वाला कोई चाहिए कि हाँ भाई लीवर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद आप आराम से चला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत मेहरबानी आप सब लोगों की वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही फॉलो करते रहो, शेयर करते रहो, आगे अपडेट्स वगैरह मैं आपको देता रहूँगा। सो इन फ्यूचर मैं आपको नई मशीन दिखाऊंगा अपने ब्लॉग्स वगैरह में, होपफुली आप सब लोगों का प्यार रहा। तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अलविदा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को। फॉलो कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे चैनल को ग्रो करने में, मुझे सपोर्ट करो। आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलती है आगे लाइफ में बढ़ने की, आप जैसे कई लोग हैं जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चलो गाइस, सब्सक्राइब करने अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, और कमेंट ज़रूर कर देना, मेरे को कमेंट्स में बताओ कि वीडियो कैसी लगी है, बिकॉज आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं।
बिना कमेंट्स के मुझे पता नहीं चलेगा मेरी वीडियो कैसी बनी है, तो कमेंट ज़रूर करो, बहुत सारे कमेंट करो, बहुत सारे लाइक करो और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।